बेंजो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली म्यूजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मैं हूं सचिन चित्तौड़ा, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन चित्तौड़ा ऑफिशियल में। आज अपना लेसन 13 है। तो कल मैंने आपको एक राग बताया था, राग भूपाली। आज उसी राग का एक सॉन्ग तुझे याद कर लिया है, ये वाला सॉन्ग राग भूपाली का ही है। तो ये बेंजो पे बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार फिर राग भोपाली का नोटिशन आपको बता दूं। बेंजो की चार चाबी छोड़नी, 1, 2, 3, 4 और पांचवें नंबर की चाबी को सा बनाना है ना। तो राग कुछ इस प्रकार है। तो इसी राग में एक बेसिक सा सॉन्ग तुझे याद कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है वो वाला सॉन्ग। आई लाइक इट दिस सॉन्ग। तो देखते हो, एक बार मैं बजा के बताता हूँ, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना। स्टार्ट करने से पहले जो अपना सा रे गा पा धा, ये जो सॉन्ग स्टार्ट होगा ये पा और धा से। अपन ने जैसे कि सा रे गा पा धा सा सॉन्ग राग का नोटिशन था ना, सा रे गा पा धा सा, जो पा और धा है वहां से सॉन्ग स्टार्ट होगा। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप एक साथ में ही लगेंगे। जैसे कि तुझे, ये तो एक एक फिंगर वाला हो गया। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ, जैसे कि पिक को एक बारी चलाना और सुर दो लगेंगे। जैसे कि इस पे तो दोनों बार पिक चलेगी है ना। तुझे अब याद में एक पिक चलेगी और दोनों नोटून बच जाएंगे। जैसे कि वापिस ये, फिर कर लिया है, जैसे कि स्वर ऊपर जा रहा है। तो एक बार और इजी, यहां से सा रे गा, गा से डायरेक्ट सा पे, फिर
रहेगी। ये कैसे बचेगा? वन फिंगर से फिर वापिस मरने, बहुत ऊपर सुर रहे, मरने तलक रहेगी, जैसे तो ये वाला जो मतलब कि ये अपना पा और जो ऊपर वाला पा तार तक तक वाला है ना, कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी का रियाज कीजिए।